दोस्तों मैं आपको आज दिखाता हूँ ओडी ए थ्री ऑटोमेटिक। ओडी ए थ्री ऑटोमेटिक कैसे ड्राइव करते हैं लोग, वो ऑटोमेटिक कहते हैं कि हमें ऑटोमेटिक नहीं आती, मैनुअल चलाते हैं। तो बहुत इजी है ऑटोमेटिक चलाना। तो देखते हैं कैसे ड्राइव करना है आपको। हाँ, गाड़ी के अंदर बैठ गए। दिस इज फॉर चाबी ऑन, ब्रेक पेडल प्रेस। ओनली दो पेडल है इसमें, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। तो ब्रेक पेडल प्रेस कीजिएगा और चाबी ऑन करना। देखिए मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ब्रेक पेडल दबा के रखने का। देखो मेरा एक पैर बिल्कुल फ्री है और ये देखो आपको एक्सीलेटर पेडल छोड़ के रखना और ब्रेक को दबा के रखना। उसके बाद में आ जाइए आप गियर लीवर पर। तो देखो पी आर एंड डी, पी का मतलब पार्किंग, आर का मतलब रिवर्स, एन का मतलब न्यूट्रल, डी का मतलब ड्राइव। तो मैं इस लीवर को इधर से पुश करूँगा, पुश करके इसको पीछे लूँगा, पीछे लूँगा। इसको डी पे आ गया, देखो आपको हाईलाइट लाइट जल रही है इस पर, तो ये डी पे आ गई। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा ब्रेक का पेडल है उसको छोड़ूंगा, तो गाड़ी चलने लग गई है। देखो तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसी पे अपन देखते हैं, गाड़ी मैंने स्टॉप कर दी, रोक दी है। उसके बाद ब्रेक पेडल दबाऊंगा और रिवर्स लूँगा इसको, जो रिवर्स डाल दिया इसको। रिवर्स डालने के बाद में वापस ये रिवर्स यू टर्न हो रही है। ओके, तो बहुत इजी है, बहुत ही स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप नए नए हो तो एक्सीलेटर पेडल का यूज़ नहीं करना, बस डी में डाल के धीरे धीरे ब्रेक पेडल को दबाइए और ये डी में डाला और धीरे धीरे इसको छोड़ना, गाड़ी ड्राइव होगी।